मम्मी को इजाजत दे दीजिए, मेरी मम्मी कितने दिन से पढ़ाई कर लिए थक चुकी है। जब तक जॉइनिंग नहीं मिलेगी जब तक बैठे लेंगे यहाँ पर। मम्मी परेशान हो गई है बहुत, मम्मी हमारे पर ध्यान ही नहीं देती है, बस पढ़ाई करती रहती है। मैं मम्मी को भी अभी नौकरी दे दो। प्रदेश में 11,000 से अधिक चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी इस वक्त मौजूद हम शहीद स्मारक पर, जहां पर रीट शिक्षक भर्ती व आरपीएससी द्वारा जो पिछले वर्ष भर्ती करवाई गई थी उसके अतिरिक्त विषय के अभ्यर्थियों को अपनी नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये पिछले 3 दिनों से लगातार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पिछले 3 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, किस मांग को लेकर प्रदर्शन? हमारी मांग है कि रीट अध्यापक भर्ती 2022 में जो एडिशनल से डिग्री से चयनित अभ्यर्थी है उनकी नियुक्ति 6 महीने से अटकाई हुई है, और नियुक्ति अटकाने का केवल एक ही कारण बता रहे अधिकारी मंत्री कि आपका मामला कोर्ट में। मैं सरकार से और अधिकारी से भी पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में ऐसी कौन सी भर्ती है जो कोर्ट में नहीं है? कोर्ट में सभी भर्ती हैं, और माननीय अध्यक्ष जी द्वारा FAQ निकाला हुआ है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि विचाराधीन प्रकरण में हम नियुक्ति नहीं रोकेंगे। तो एक अध्यापक भर्ती में एडिशनल डिग्रीधारियों की नियुक्ति क्यों रोकी जा रही है? ये 6 महीने से अटका कर अभ्यर्थियों को बार बार इधर उधर भटका रहे हैं। ये अन्याय से पीड़ित होकर हम एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमने धरना दिया था, वहाँ से पुलिस प्रशासन ने हमें हटा दिया, तो हम यहाँ पर शहीद स्मारक पर आ गए हैं। और अब यहाँ से तभी उठेंगे जब हमारा मामला ख़त्म होगा और हमें स्कूल अलॉट हो जाएगी। सर, 2015 और 18 में चयनित शिक्षकों को थर्ड ग्रेड में एडिशनल वालों को नियुक्ति मिल गई है और 2022 में नियुक्ति नहीं मिली, इसमें आपकी क्या कर ली? इसमें मामला यह था कि कोर्ट में 2016-17 में मामला चला गया था, एडिशनल डिग्री को लेकर मामला कोर्ट में गया था। उसके बाद 2018 में समकक्षता समिति बनी थी, उसने स्पष्ट किया कि एडिशनल डिग्रीधारी पात्र है, तृतीय श्रेणी प्रवृत्ति के लिए पात्र है। उसके बाद 16 और 18 वालों को ज्वाइनिंग दी गई, इस आधार पर दी गई कोर्ट के निर्णय के अधीन। तो कोर्ट में वो स्थिति जब 2016-18 और जिसकी वेटिंग आई थी 21 में, जो स्थिति 21 में थी 16-18 में थी, वही स्थिति वर्तमान में, तो 2022 वालों को क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। सरकार की तरफ से लापरवाही घोर लापरवाही है, उसके अलावा अधिकारी भी इसमें नजर मनमानी कर रहे हैं, मनमर्जी से अटका रहे हैं, पता नहीं इसका कारण क्या है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी रीट शिक्षक भर्ती अतिरिक्त विषय से जुड़े हुए हैं और लगातार इनका नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 3 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, शिक्षा मंत्री या सरकार की तरफ से? से नहीं, 8 दिनों से हम यहीं पर हैं और हम धरना दे रहे हैं, और 2-3 पहले हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना दिया जिसमें पुलिस ने हमको हथेड़ दिया, और हम 8 दिनों से धरना दे रहे हैं। हमारी नियुक्ति को रोक रखा है सरकार ने, 5 सालों से हम पढ़ाई कर रहे हैं, 5 सालों से पढ़ाई करने के बाद भी आज हम यहाँ बैठे हैं, सिर्फ सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दोनों में नंबर आने के बाद भी हम नियुक्ति की मांग करें, ऐसा लगता है भीख मांग रहे हैं हम लोगों से। क्यों मांगे हम भीख? हमने खुद ने मेहनत करी है, रात दिन एक करे हैं, उसके बाद हमें ये जॉब मिली, उसके बाद हमें क्यों रोका गया है? 16 के अंदर दी, 18 में दी, एक एडिशनल को मुद्दा बना के तुम लोग एक एडिशनल का मुद्दा बना के हमारी जॉब को रोक रहे हो, और एडिशनल देने वाला कौन? ये राजस्थान सरकार ही हमें एडिशनल दे रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी दे रही है, उसके बावजूद भी हमें तुम रोक रहे हो, किस वजह से रोक रहे हो? समझ में ही नहीं आ रहा। हम भटक रहे, इतने विधायकों के साथ जा चुके हैं, उनको विज्ञापन दे चुके हैं कि हमारी सुनो, वो देखते हैं और साइड में हमारे विज्ञापन को रख देते हैं। मैं तो ये कहती हूँ सिस्टम ही खराब है। आप ना इन विधायकों को एग्ज़ाम दिलाओ एक बार, और फिर जब ये हमारा दर्द समझेंगे, 5 साल उनको पढ़ाओ और फिर उनको लगाओ उस विधायक के सीट में बिठाओ, तो उनको उनको पता चलेगा कि क्या होती है हमारी मेहनत, पढ़ाई क्या होती है, क्या कैसे हम ये रात दिन हम एक करते हैं, बच्चों पे पूरे घर परिवार पे हम ध्यान नहीं देके किस तरह हम पढ़ते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिलता है। तुम भी करो एक बार ये सब कुछ करके, फिर हमारे दर्द को तुम समझोगे। मैम, आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हैं, किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना है? बच्चे सर्दी में बैठे हैं, कैसे बैठे होंगे आप खुद सोचो, तुम लाके देखो अपने बच्चों को बिठा के बैठो, महलों से निकलो और देखो हमारे यहाँ के, हमारी सुनो तो सही एक बार, हमारे दर्द को तो देखो एक बार, कैसे हम ये सहन कर रहे हैं और किस तरह हमारे बच्चे इस संघर्ष में झेल रहे हैं हम लोगों को, और हम किस लिए किसके लिए बड़े? हम बच्चों के लिए ही तो बड़े थे,
और आज हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, क्या बनाओगे तुम हमारे बच्चों का भविष्य? कहाँ से आई मैं? सर मैं भिलवाड़ा से आई हूँ। देखिए तमाम अभ्यर्थी प्रदेश भर से यहाँ पर जुटे हैं और इनकी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग है और ये सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश। मैम पिछले 3 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, कई बार आपने विधायकों को ज्ञापन दिया आपकी मांग को लेकर, क्या सरकार की तरफ से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है? बिल्कुल बरती जा रही है सर, हमें बिल्कुल भी ये जो हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमें कांग्रेस सरकार ने रोक दिया। अब हमें ये राम राज्य की सरकार है, अगर हमें यहाँ राम राज्य में न्याय नहीं मिला तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कहाँ हम जाएंगे। और हम ही हमारे हाथ जोड़ के यही गुहार है सरकार से, भजन लाल सरकार से, हमारे दर्द को समझे और हमें नियुक्ति दे। हमने असल पढ़ाई करी है, कोई बहुत मेहनत करी है हमने, कोई हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक ही मांग रहे हैं। थर्ड ग्रेड से या सेकंड ग्रेड? दोनों से, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड से, दोनों से सिलेक्टेड। देखिए तमाम अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से लगातार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इनकी मांग यही है कि सरकार की तरफ से इनको नियुक्ति जाए। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम कहाँ से आए हैं, किस मांग? सर मैं नागौर से आई हूँ और एडिशनल इंग्लिश से हूँ मैं। हमने डिग्री बतौर मतलब 3 साल बीए करने के बाद फिर से 1 साल और बीए किया हमने, और इस तरह मतलब बीए वालों से एडवांस नॉलेजेबल हैं हम, फिर भी हमारी मतलब नियुक्ति रोक दी गई है। हम पहले परेशान हो रखे थे, फैमिली बच्चे छोड़ रखा था कि भाई पढ़ लेते हैं उसके बाद जॉब लगने के बाद संभाल लेंगे, इनको एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे। अब ऐसा हो रहा है कि हमने तैयारी के दौरान भी हमने संघर्ष किया, अभी नियुक्ति के लिए पढ़ने के बावजूद, इतना मतलब एलिजिबल होने के बावजूद हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। और इतनी मतलब सरकार के लिए भी हमने वेट किया कि भाई सरकार चेंज होगी तो हमारी सुनेगी, लेकिन फिलहाल सरकार का रवैया भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा कि वो देख रहे हैं कि हम ध्यान दे ही नहीं रहे, हम 8 दिन से यहाँ बैठे हैं। पहले भी हमने बीकानेर में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने देकर काफ़ी मतलब संघर्ष किया है, लेकिन सरकार ध्यान। पूर्व में 2015 और 18 में थर्ड ग्रेड में एडिशनल वालों को नियुक्ति दी गई है, आपको नियुक्ति नहीं दे रही सरकार, आपसे भेदभाव क्यों? सर इसका हमें तो कुछ मतलब इतना है नहीं, लेकिन सरकार का हमें खुद को रवैया समझ में नहीं आ रहा है। वो जवाब भी नहीं दे रहे हमें कि मैं रोक क्यों रखा है, जब हम उतने ही मतलब योग्य हैं जितने कि पहले वाले थे उनमें, और हमें कोई अंतर नहीं है। उसके बावजूद मतलब पिछली बार सब्जेक्ट का पेपर भी नहीं था, इस बार हमें हमारी जो सब्जेक्ट की योग्यता है वो भी पूरी तरह परखी गई है। मतलब हमारा दूसरा जो पेपर था पूरा सब्जेक्ट का था, हमने उसमें बतौर मतलब अच्छे मार्क्स मतलब प्राप्त किए हैं, उसके बाद हम मतलब इसमें एलिजिबल हुए हैं, उसके बावजूद वो लोग हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। कांग्रेस की सरकार में भी आपने अपनी नियुक्ति के लिए प्रयास किया है और इस सरकार में प्रयास किया है, तो दोनों में क्या अंतर? सर अब हमें थोड़ी उम्मीद है, राम राज्य सरकार बोल रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी सुनेंगे और हमें ज्वाइनिंग भी देंगे, बस उसी उम्मीद पे हम बैठे हैं सर। हम अपने 10 महीने के बच्चे को मैं घर पे छोड़ के आई हूँ और यहाँ आई हूँ, तो हम परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन अब सरकार हमारी परेशानी कब देखती है ये डिपेंड करता है सरकार पे। देखिए तमाम अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से शहीद स्मारक पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी सरकार से यही मांग है कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जाए। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की। सर पिछले 3 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, लगातार शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई आपको अभी तक शिक्षा मंत्री से कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई है। जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर ही मरने को लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं छोड़ेंगे हम अपनी। सर पूर्व में 2015-18 में एडिशनल, हाँ पिछली भर्ती 2016 और 2018 में भी बीजेपी सरकार ने इस संबंध में नियुक्तियाँ तुरंत प्रदान की गई थी, लेकिन अभी इस भर्ती के अंदर 4 महीने से हमको नियुक्ति के लिए तरसा रहे हैं। हाँ हाँ ये सही है, लेकिन ये सरकार ने शामिल किया और हम 5 साल की कठोर मेहनत से अंतिम परिणाम में जगह पाए हैं, लेकिन 5 साल की कठोर मेहनत हुई और लेकिन अब नियुक्ति के लिए बार बार हमारे को चक्कर लगना पड़ रहा है। हम 200-300 किलोमीटर से दूर आते हैं और परेशान हो रहे हैं। देखिए तमाम अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती एवं सेकंड ग्रेड भर्ती से जुड़े हुए हैं, लगातार ये अपनी नियुक्ति की मांग को सरकार तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी मुख्य मांग यही है कि सरकार की तरफ से इनको नियुक्ति दी जाए। आपको बता दें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने पिछले वर्ष 2022 में शिक्षक भर्ती 48,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया था, उस परीक्षा में इन्हें बैठने के लिए योग्य किया गया था सरकार की तरफ से एवं बोर्ड की तरफ से। इन्होंने परीक्षा पास की और इनका मेरिट लिस्ट में नाम आया, उसके बावजूद भी यह आज अपनी नियुक्ति के लिए शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सुनील कुमावत कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।